नमस्कार, perfect.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोकोनट कुकीज बनाना बताऊंगी। इसे घर में बनाना बहुत आसान है और आप इसे कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। इसके लिए किसी ओवन की भी जरूरत नहीं होती है। इसे आपको कढ़ाई में और ओवन में दोनों तरह से बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसे आप आराम से घर में मौजूद चीजों से बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं कोकोनट कुकीज कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। कोकोनट कुकीज बनाने के लिए हमने 5 बड़े चम्मच मक्खन लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो उसमें 2 चुटकी के करीब नमक मिला लें। हम इसके अलावा हमने 1/2 कप पाउडर चीनी ली है। 1 कप हमने पाउडर कोकोनट लिया है। ये बाजार में आसानी से इस तरह से मिल जाता है। हमने 3/4 कप मैदा लिया है, ये 1/2 कप और ये 1/4 कप। 1/4 छोटा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। इसके अलावा हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब दूध मिलाएंगे। तो हम भूनते समय से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बटर और चीनी को मिला के हमें अच्छे से फेंटना है एकदम क्रीमी हो जाने तक। तो बटर को हम किसी बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। थोड़ा सा बटर को हम फेंट लेते हैं कि देखिए एकदम सॉफ्ट बटर है। हमें सॉफ्ट बटर ही लेना है जिससे हमने इसे 1 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दिया था कि एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो बटर की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर घी में आप थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी के करीब नमक मिला लें। इसी तरह से घी को फेंट कर बनाए। इसमें यह 1/2 कप जो हमने पाउडर चीनी ली है मिला देते हैं और इसे एकदम अच्छे से हम मिक्स हो जाने तक फेंटेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे फेंट सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस तरह के विस्क से आप इसे फेंट सकते हैं। आसानी से फेंट जाता है ये। 2 से 3 मिनट तक हमें ऐसे ही फेंटना है जब तक ये एकदम फ्लफी और क्रीमी सा ना हो जाए। ये बटर और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, एकदम अच्छे से फिट गया है, क्रीमी सा हो गया है ये। अब इसमें बाकी की चीजें मिला लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मैदा को मिला लेते हैं। इसे छलनी में डाल के इसे छान लेते हैं। मैदे के साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर मिला देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैदा और बटर अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम ये कोकोनट का पाउडर मिला देंगे। थोड़ा सा कोकोनट हम इसमें बचा लेंगे, करीब 2 टेबल स्पून के करीब हम बचा लेंगे जो हम ऊपर से इसे कुकीज को रोल करने के लिए यूज करेंगे। बाकी काम इसमें ला लेते हैं। ये 2 बड़े चम्मच के करीब हमने बचा लिया है, इसे भी मिक्स कर देते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब दूध मिलाएंगे। 2 बड़े चम्मच हमने ये दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एकदम से नहीं मिलाएंगे। पहले आधा मिला देते हैं। ये हो गया। इसको हमें गूंदना नहीं है, बहुत दबाना नहीं है, बस अच्छे से ये सब कुछ मिक्स होके इस तरह से हो जाए। अब इसे हम 1 घंटे के लिए कम से कम ढक के फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद ही हम इससे कुकीज बनाएंगे। तो इसे हम क्लिंग रैप से कवर कर लेते हैं और फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे इस तरह से। ये जो कुकीज का आटा हमने फ्रिज में रखा था सेट हो गया है। इसे हम कुकीज बना लेते हैं। इसे हमने पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा। इसके अब हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। जितनी बड़ी हमें कुकीज बनानी है उस हिसाब से हम इसके पीसेस बना लेंगे। छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल बना लेंगे। इससे हम आटे को बहुत ज्यादा गूंदना नहीं है, दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से हमें इसे इस तरह से तोड़ के और इसकी पीस बनानी है। इसे हम रोल करके और इसकी चीज बना लेंगे। बहुत दबाना नहीं है इसे, बस हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा हम बना लेंगे। तो ये कोकोनट हमने बचा के रखा था पाउडर, इसके ऊपर इसे इस तरह से हम कर देंगे अच्छे से। सब तरफ अच्छे से चिपक जाए। ये हमने बेकिंग ट्रे पहले से तैयार करके रखी है। इसमें हमने बटर पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सिंपली इसमें तेल लगा के इसे चिकना कर लें।
इसमें हम कुकीज को रखते जाते हैं इस तरह से, इसमें हम सारी कुकीज लगा देंगे। कुकीज हमने बना के इस तरह से तैयार कर लिए, ये दो ट्रे हमारी तैयार हो गई है। एक ट्रे को हम ओवन में बेक करेंगे और ये वाली जो ट्रे है इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो चलिए इसे बेक करने के लिए हम ओवन को और कढ़ाई को रीहीट कर लेते हैं। तो हमें ओवन को 170 डिग्री पर रीहीट करना है और कढ़ाई को हम मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। हमने एक बड़े साइज की ये कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने ये एक कप डाल दिया है। कढ़ाई को हम बंद कर देते हैं, कढ़ाई में ये हमें स्टैंड रख देते हैं इस तरह का, और इसे हम बंद करके मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए गरम कर लेते हैं। फिर हम इसमें बेकिंग ट्रे रखेंगे, तो आंच मीडियम कर देते हैं और इसे गरम होने देते हैं। और अब हम ओवन को भी 170 डिग्री पर प्रीहीट कर लेते हैं। कढ़ाई हमने 10 मिनट के लिए गरम करी, ये गरम हो गई है। सावधानी से इसे खोल के और ये कुकीज वाली ट्रे हम इसमें सावधानी से रख देंगे। बहुत गर्म है कढ़ाई, इस तरह से इसे फिर से ढक देते हैं और हम इसे धीमी आंच पे पूरे 18 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आंच धीमी कर देते हैं और ढक्कन बंद करके इसे हम पकने देते हैं। हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया है, दूसरी ट्रे हम ओवन में रख देते हैं और 15 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे, अगर कुकीज कच्ची होंगी तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। हमने 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है, 18 मिनट हो गए हैं और ये कुकीज हमारी पक रही है। देखिए कितनी अच्छी सी फूल के ये पक गई है। हम गैस बंद कर देंगे, इसे थोड़ी देर इसी खुला छोड़ देते हैं। ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब हम इसे निकालेंगे। हमारी ओवन वाली भी कुकीज पक चुकी है, उसे भी हमने निकाल लिया है। हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारी ओवन वाली कुकीज भी एकदम अच्छे से बेक हो गई है। कितना अच्छा कलर आया है इसका, थोड़ी सॉफ्ट है ये, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम इसे फायर लाइट के ऊपर रख के ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं इसे। कुकीज थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे हम निकाल के फायर लाइट के ऊपर रख देते हैं जैसे पूरी तरह से ठंडी हो जाए। बहुत ही अच्छी कुकीज बन के तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी हो गई है ये। और इसे हमें एयर टाइट डब्बे में भरने से पहले पूरी तरह से ठंडा करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे हम इस तरह से को रखना है, इसे पूरी तरह से ठंडी हो जाए। दोनों तरह की कुकीज बहुत अच्छी बनी है, ये वाली हमने ओवन में बनाई है और ये वाली हमने कढ़ाई में बनाई है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, कि जल्दी ये बन के तैयार हो गई। कितनी अच्छी कुकीज बन के तैयार हुई, कितनी अच्छी, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी अंदर से एकदम क्रिस्पी है। बहुत अच्छी बनी है ये, हमारी कोकोनट कुकीज बन के तैयार हो गई है। और इसे हमने आपको कढ़ाई में बनाना भी बताया है, इसे घर में बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।